गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, संस्कृत में ओपन करिए पेज नंबर 35, चैप्टर 6। प्रथम पुरुष लट्लकार द्विवचन, किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? प्रथम पुरुष लट्लकार द्विवचन। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा प्रथम पुरुष लट्लकार एकवचन। तो प्रथम पुरुष लट्लकार मीन्स क्या होता है बच्चों? वर्तमान काल। और लट्लकार का द्विवचन कहा है, तो द्विवचन का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? तह। क्या होता है? तह। तो जो धातु के अंत में लट्लकार द्विवचन का रूप बनाने के लिए हम क्या जोड़ते हैं? तह जोड़ते हैं। जैसे पठ है तो क्या हो जाएगा? पठतः। लिख है तो लिखतः, है ना। नम है तो नमतः। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मयूरौ नित्यतः, कच्छपौ चलतः, सैनिकौ रक्षतः। मयूरौ नित्यतः, दो मोर नाचते हैं, है ना। द्विवचन है प्रथम पुरुष द्विवचन पुरलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो मयूरौ नित्यतः, दो मोर नाचते हैं। कछपौ चलतः, दो कछुए चलते हैं। सैनिकौ रक्षतः, दो सैनिक रक्षा करते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट दिया है, दीपकौ ज्वलतः, दीपकौ ज्वलतः, दो दीपक जलते हैं। छात्रौ नमतः, दो छात्र नमस्कार करते हैं। नरौ वदतः, दो मनुष्य बोलते हैं। कौ क्रीडतः, कौन दो खेलते हैं, है ना। कौ क्रीडतः, कौन दो खेलते हैं। बालकौ क्रीडतः, दो बालक खेलते हैं। बालकौ क्रीडतः, दो बालक खेलते हैं। तौ क्रीडतः, हाँ वे दो खेलते हैं। कौ क्रीडतः, कौन दो खेलते हैं। बालकौ क्रीडतः, दो बालक खेलते हैं। तौ क्रीडतः, वे दो खेलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, कौ धावतः, कौन दो दौड़ते हैं। अश्व धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। तौ धावतः, वे दोनों दौड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पेज नंबर 36। गिवन हियर, प्रथम पुरुष द्विवचन स्त्रीलिंग। अभी जो पढ़े थे वो किसके बारे में पढ़े थे? प्रथम पुरुष द्विवचन पुरलिंग के बारे में। अब पढ़ेंगे प्रथम पुरुष द्विवचन स्त्रीलिंग। कलिके विकसतः, दो कलियां खिलती हैं। सूचिके पततः, सूचिके पततः, धातु में जो प्रत्यय एड होना है बच्चों, तह, वो चाहे पुरलिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, किसी में भी चेंज नहीं होगा, उसका रूप यथावत वैसे की वैसी होगा। जैसे पुरलिंग में भी ये तह धातु लगा था, है ना, द्विवचन के लिए लट्लकार का, और स्त्रीलिंग में भी वही लगेगा। ओके, सूचिके पततः, दो सुइयां गिरती है। पततः, पत मतलब क्या होता है बच्चों? गिरना। तो सूची के दो सुइयां गिरती हैं। मच्छिके उत्पततः, दो मक्खियां, मच्छिके उत्पततः, दो मक्खियां उड़ती हैं। नेक्स्ट दिया है, बालिके नमतः, दो बालिकाएं नमस्कार करती हैं। महिले भ्रमतः, महिले मीन्स दो महिलाएं, भ्रमतः घूमती हैं। अजय चरतः, दो बकरियां चरती हैं। के क्रीडतः, कौन दो खेलती हैं। के क्रीडतः, कौन दो खेलती हैं। कन्ये क्रीडतः, दो कन्याएं खेलती हैं। ते क्रीडतः, वे दो खेलती हैं। के तरतः, कौन दो तैरती हैं। के तरतः, कौन दो तैरती हैं। वर्तिके तरतः, दो बतखे तैरती हैं। ते तरतः, वे दो तैरती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, प्रथम पुरुष द्विवचन नपुंसक लिंग। पुष्पे विकसतः, पुष्पे विकसतः, दो फूल खिलते हैं। फले पततः, दो फल गिरते हैं। विमाने उत्पततः, दो विमान उड़ते हैं।
नेत्रे पश्यतः दो नेत्र देखते हैं, चक्रे भ्रमतः दो पहिए घूमते हैं, पुस्तके स्तः दो पुस्तके हैं, अस्ति स्तः संति। तो अस्ति एक वचन के लिए, स्तः द्विवचन के लिए और संति बहुवचन के लिए। तो पुस्तके स्तः दो पुस्तके हैं। उसी प्रकार के पततः कौन है ना, के पततः क्या दो गिरते हैं, क्या दो गिरते हैं, नपुंसक लिंग है, क्या दो गिरते हैं। पत्रे पततः दो पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर भी आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, क्या कि जो तह धातु है लट लकार द्विवचन में स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग है ना पुरलिंग सभी में समान रूप से वह क्या करते किए रहते हैं हम लोग, वह जो तह धातु है उसको एड करते हैं। तह धातु में तह प्रत्यय है वो चेंज नहीं होगा चाहे कोई भी लिंग हो। ओके बच्चों, तो ये कॉमन है आप लोगों के समझने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन तह है ना, तो इसीलिए पत धातु में तह प्रत्यय जोड़ने से पततः है ना। यहाँ पर तो पत्रे पततः दिया है, पत्रम पत्रे पत्राणी होता है ना, तो पत्रे मीन्स दो पत्ते और पततः गिरते हैं, दो पत्ते गिरते हैं। ते पततः, ते मीन्स वे दो, किसके लिए, नपुंसक के लिंग है ना, नपुंसक लिंग के लिए। ते मीन्स वे दो, पततः मीन्स गिरते हैं। तह धातु है द्विवचन की को इंगित कर रहा है ना, तह पत पत धातु है, तह प्रत्यय है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, पततः वे दो गिरते हैं। यहाँ पर यदि बच्चों है ना पतंती होता तो क्या होता, हाँ पततः पतंती होता तो क्या हो जाता, गिरते बहुवचन के लिए हो जाता ना। तो यहाँ पर पततः हुआ है, द्विवचन पढ़ रहे हैं ना, द्विवचन प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या होगा, हाँ वे दो गिरते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आया होगा यह चैप्टर बच्चों, क्या कि लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन को बनाने के लिए क्या करते हैं, धातु के अंत में क्या जोड़ते हैं, तह तह प्रत्यय जोड़ते हैं। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से इस तरीके से सेंटेंस आप लोग अपने आप भी क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, और बना करके प्रैक्टिस भी आपको करना है, ताकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतने ही ज़्यादा उसमें क्या एक्सपर्ट होगे, और आपको ज़्यादा समझ में जो है कोई भी सेंटेंस या ग्रामर आपको समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो शब्दार्थ देख लेते हैं। कच्छपो दो कछुए, चलता चलते हैं नरा दो मनुष्य, वदता बोलते हैं, क्रीड़ता खेलते हैं, धावता दौड़ते हैं, सूची के दो सुइयां, महिले दो महिलाएं, चक्रे दो पहिए, पत्रे दो पत्ते, पततः गिरते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट होता है। इसका जो बैक एक्सरसाइज है उसको आप लोगों को सर्च करना है, और लट लकार का रूप भी आप लोगों को याद करना है। ओके बच्चों।